देखिए, आंतों में गांठ, मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, खास तौर से ये बच्चों को होने वाली एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसमें माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही जांच कराता है और उसके जांच में आती है कि बच्चे के आंतों में गांठ हो गई है, यानी कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी यानी कि लिम्फ एडिनाइटिस हो गई है, तो जब वो इस बात को लेकर के डॉक्टरों के यहाँ जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि भाई देखिए, बच्चे की आंतों में गांठ हो गई। कुछ कंडीशन में तो ये कहा जाता है कि बच्चे के आंत में टीवी हो गई है। अब आप जरा सोचिए कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को अगर माँ बाप को ये पता चला कि मेरे बच्चे के आंत में टीवी हो गई है, इसके गांठ हो गई है, तो भाई हर व्यक्ति तो जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, उसको इतनी गहरी जानकारी हो। अब वो दिन भर परेशान हो जाता है कि अरे यार, अब क्या करें, मेरे बच्चे के हाथों में गांठ हो गई, अब इसका क्या इलाज है। इलाज की बात अगर कही जाए तो अगर इलाज के नाम पर अगर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया जाए तो ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि बच्चे के हाथों में गांठ हो गई या टीबी हो गई, तो इस टीबी का मतलब टीबी का इलाज करना पड़ेगा। और ज्यादातर मामले में हमने देखा, चूंकि इसके ज्यादातर पेशेंट हम लोग देखते हैं, तो पेशेंट आ कहता है, डॉक्टर साहब हमने 3 महीना टीबी की दवा चलाई, 6 महीना टीबी की दवा चलाई, लेकिन बच्चे को हमारे आराम मिला नहीं। साथियों, आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी के हजारों पेशेंट आज ठीक हो रहे हैं, और सचमुच में कहीं ना कहीं होम्योपैथी की बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। आज मेरे साथ जो है इसी तरह का एक प्यारा सा बच्चा है जिसको ये समस्या, देखिए ये रिपोर्ट है, इसकी पहली रिपोर्ट है 5/5/2020, ये लॉकडाउन के समय के से मतलब लॉकडाउन के बाद की ये कंडीशन है, और उस कंडीशन में इसको क्या क्या दिक्कत होती थी मैं पूरी बात आपको बाद में ही बताऊंगा। अभी इनके साथ इनके देखिए माता जी हैं और इनके पिताजी। भाई साहब, आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं गजेंद्र पट्टी अजगरा अतरौली आजमगढ़ का रहने वाला। अतरौलिया आजमगढ़ गजेंद्र पट्टी के रहने वाले हैं आप। ऐसे बताइए कि कैसे कैसे इस बच्चे को क्या क्या हुआ, आप अपनी बात जिसे पूरी बताइए। सर ये हमारा बड़ा लड़का है अक्षय प्रताप सिंह, इसको आंतों की गांठ से लगभग 2 साल से परेशानी थी। सर हमने आजमगढ़ में कई जगह दिखाया और सब अंग्रेजी दवाएं कराई, लेकिन हमको कोई आराम नहीं मिला। सर हमको आपका ये चैनल के माध्यम से पता चला, डॉक्टर एस बी तिवारी बैठते हैं जहानागंज में, हम आपके पास आए और लगभग 4 महीने से दवा चल रही है इसकी। आज की हमारी जो रिपोर्ट है ये सब नॉर्मल की रिपोर्ट है। साथियों देखिए, इनकी जो रिपोर्ट है, ये शुरू शुरू में इनको परेशानी थी, कई जगह दवा कराए, उसके बाद दूसरी इनकी रिपोर्ट आई, ये है 13/10/2020 को, इसमें भी देखिए मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी ये है। हमारे यहाँ दवा आपकी कब शुरू हुई थी? सर आज 4 महीना हो गया। 4 महीना, लगभग 4 महीना इलाज साथियों किया गया, और आज देखिए बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। देखिए नॉर्मल ओपिनियन, अब कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सामने है। बेटा आप बताओ, अब कैसा, फिट है, अब कोई दिक्कत, दर्द वर्द नहीं हो रही ना? बोलो बोलो, अब दर्द वर्द नहीं ना हो रही है? अच्छा ठीक है, ये इनकी माता जी हैं। आप बताओ, सबसे ज्यादा देखो जब बच्चों को कष्ट होता है तो माँ ही ज्यादा परेशान होती है। आप बताओ, बच्चा आपसे कहता था कि मम्मी ये चीज बना करके दो, और आप इसको डांटती थी, कितना वो अजीब सा पल होता है, लेकिन बच्चे के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने कहा था कि भाई देखिए, इसको बाहर की चीजें मत दीजिएगा, फास्ट फूड हुआ, चाहे इस तरह की चाव चिप्स कुरकुरे, ये बिल्कुल परहेज कराई हैं। इसमें देखिए ठीक होने में माँ का बहुत बड़ा रोल है। आप बताइए कैसे, बच्चा आपको बहुत परेशान करता था लेकिन हमारी आप बात मान करके इसको नहीं बना के देती थी, वो स्थिति जरा बताइए। सर ये बहुत जिद करते थे हर चीज़ के लिए, हमको ये रोटी सब्जी रोज खिलाती हो, सादा ही खिलाती हो, हमको अच्छा अच्छा कुछ दिया करो, चाउमीन चाट ये सब दिया करो, लेकिन अब इनके वजह से हम लड़ झगड़ के इनको कैसे संभाले, ये कम से कम ठीक हो जाएंगे तो आगे चल के जीवन भर खाने के लिए पड़ा है, तो अब ठीक है और सही है। अब आपको जैसे बच्चे को लेकर के जैसे दर्द उर्द की समस्या अब नहीं है? हमको आज अब नहीं बोलते हैं कि हमें दर्द है कुछ है, ये सब बातें नहीं, नहीं। लेकिन आपको दोनों लोगों का भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी बच्चा
ठीक हुआ है, लेकिन हम लोगों को बचाव अभी कुछ दिन तक करना है। देखिए मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी में होता क्या है कि आंतें बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन पूरी तरह से दूर करना है। और जब भी आंतों में उस तरह की कोई चीज़ें जाएगी, जैसे मैदे वाली ज़्यादा चीज़ें, लेड वाली ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तीखा, अगर अभी आंत बच्चे के जाएगा तो अभी एक इसको दिक्कत होगी। इसलिए अभी कम से कम महीना डेढ़ महीना परहेज पूरा रहेगा, थोड़ी सी दवा और चलाएंगे, दवा न के बराबर रहेगी, बहुत कम से कम दवा। अच्छा, इसको ये ध्यान दीजिएगा, इसको फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा दीजिए, जैसे कि सलाद उलाद हुआ, इस समय अब इस समय गर्मी का दिन है, इसको थोड़ा खीरा ककड़ी ये सब, तरबूज ये सब भी दीजिए, दूध पिलाइए, और इसको खूब रोटी दाल चावल दलिया ये सब दीजिए, ठीक है। और बच्चा बिल्कुल ठीक है। अभी देखिएगा एक और चीज़, अभी तो बेटा शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहो, ये अब जैसे दुबला पतला है ना, अब आपको देखिएगा इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा एक दो महीने में। देखिए ये जो गांठें होती हैं एक बाधा का काम करती है, जिसे अवरोध कहते हैं, ऑब्स्टिकल कहते हैं। तो अब ये बाधा इसकी दूर हुई, अब इसके शरीर का विकास शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर मिसेंट्रिक वाले पेशेंट बच्चे होते हैं वो बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब वो गांठें ख़त्म होती हैं तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो जाएगा, तो बच्चे का भी ग्रोथ हो जाएगा और अब बच्चा आपका ठीक है। आप ही बताइए, इस तरह की समस्या आपने फेस किया, और लोगों को जो इस तरह के गार्जियन खास तौर से अपने बच्चों को लेके जो हाथों में गांठ को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप मेरे इलाज से मतलब कितना संतुष्ट हुए, और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी इस बीमारी से परेशान है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो आपसे संपर्क करें और दवा चलाएँ और ठीक होकर अपने घर जाएँ। चलिए, बजरंगबली की कृपा रहेगी। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जिस और देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, ये सत्य में होम्योपैथी की गहराई है और ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों का इतना बड़ा विश्वास आज साथियों देश विदेश से हजारों लोगों का, और सबसे ज़्यादा इस समय जो परेशानी है मिसेंट्रिक के, चूँकि बच्चों का खान पान ना चाहते हुए बच्चे बाहर की चीज़ें खा ही लेते हैं, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गार्जियन बहुत ज़्यादा हम लोगों को सर्च करता है और बहुत उलझा हुआ परेशान हुआ आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जांच में पता चल गया कि मिसेंट्री की प्रॉब्लम हो गई तो आप घबराइए नहीं, अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से आप इलाज कराइए, और आप लोगों को अगर मेरे लायक सेवा का अवसर देंगे तो आपकी दवा घर तक पहुँचेगी, आपको दवा भेज करके। और कुछ ही दिनों में, जैसे भैया को 4 महीने में ठीक किया, किसी को 3 महीने में ठीक होता, किसी को 2 महीने में ठीक होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाता। तो आप लोग स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय।